मुजफ्फरनगर के शिव चौक स्थित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का सोमवार को सांसद डॉक्टर संजीव बालियान ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि शहर में पासपोर्ट सेवा केंद्र के खुलने से लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, अब गाजियाबाद भी नहीं जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि विदेश और संचार मंत्रालय की सहमति के बाद स्थान तय करने के लिए पासपोर्ट अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, जिससे 2019 चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जा सके। सरकार का लक्ष्य है हर सांसद के क्षेत्र में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला जा सके। वहीं सांसद डॉक्टर संजीव बालियान ने बताया कि यहां पर प्रतिदिन 100 लोगों का पासपोर्ट बनेगा। जिन लोगों को अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए गाजियाबाद जाना पड़ता था, अब उन लोगों को कहीं नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि पासपोर्ट की सुविधा अब मुजफ्फरनगर में भी मिलेगी। देखिए, पूरे देश में ही एक बहुत बड़ी समस्या थी कि 5-6 जिलों में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र था, जैसे हमारा गाजियाबाद था। गाजियाबाद यहाँ से 100 किलोमीटर है, प्रतिदिन 100 लोग, इसका मतलब महीने में 3,000 लोग और साल में 36,000 लोग यहाँ से गाजियाबाद जाते थे पासपोर्ट बनवाने के लिए। और पासपोर्ट बनवाने के लिए नॉर्मली 2 से 3 चक्कर हर व्यक्ति के लगते थे। तो सोचिए कितनी बड़ी समय और धन की बर्बादी थी यहाँ से गाजियाबाद आना जाना। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और विदेश मंत्री और विदेश राज्य मंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुजफ्फरनगर की जनता के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत मुजफ्फरनगर में की है। अब हमारा गाजियाबाद आना जाना नहीं होगा, हम अपने शहर में ही पासपोर्ट बनवा सकें। मैं BK सिंह, निदेशक डाक सेवाएं प्रशिक्षण केंद्र सहारनपुर, आज यहाँ पर निदेशक के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। देखिए, डाक विभाग में ये वास्तव में एक नया प्रयोग है। देखिए, हमने फार्म भरवाने का काम तो पहले भी 10-15 साल पहले से भी शुरू किया था, लेकिन अब पासपोर्ट बनवाने की पूरी कार्यवाही का कार्य ये गत वर्ष से शुरू हुआ है। और गत वर्ष मैंने 18 फरवरी को सबसे पहले उत्तराखंड में अल्मोड़ा में ये पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन करवाया था, फिर लास्ट 3 मार्च 2018 को आपके रुड़की में, और यहाँ से देखिए 50 किलोमीटर में लगभग एक साल का टाइम है कि यहाँ मुजफ्फरनगर में आज हुआ। इससे पहले 15 तारीख को भी सहारनपुर में भी हुआ था, वहाँ मैं उपस्थित था। यह सब लोगों को ये बहुत फ़ायदा होगा। वास्तव में आप कल्पना कर सकते हैं कि 1983 में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकेला पासपोर्ट सेवा केंद्र बरेली में था, फिर 1997 में जब गाजियाबाद बना तो थोड़ी रिलीफ मिली यहाँ के लोगों को, और जब यही बन गया तो कहीं नहीं जाना। अगर कोई कमी भी होगी तो वो गाजियाबाद नहीं, यही पूरी हो जाएगी। आप जाइए, घर से एक कागज़ नहीं दूसरा कागज़ जो भी ज़रूरत होगी डॉक्यूमेंट्स के अपना पूरा कर लेंगे, और यहीं से आपका वो सब काम जो है अब हो जाया करेगा। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और जो यहाँ स्टाफ हमारा है वो ऑनलाइन पूरा का पूरा प्रोसेस को अप्रूव करेगा, और बाद में फिर 1 महीने के अंदर 1.25 महीने के अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाया करेगा।